नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्राइवेट स्कूल में घुस करके चार नकाबपोशों ने चौकीदार को बंदी बना करके डकैती की घटना को अंजाम दिया। तीन नामजद के खिलाफ में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी स्कूल से 4 लाख की नकदी और लाइसेंसी बंदूक व अन्य सामान लेकर फरार हो गए। स्कूल प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी स्कूल की दीवार फांद करके अंदर घुसे थे और चौकीदार के कमरे को बंद करके इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी स्कूल में रखे हुए 4,32,000 रुपये की नकदी, एक लाइसेंसी पिस्तौल व अन्य कागजात भी चुरा कर ले गए। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है और पुलिस जांच में जुट चुकी है। पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। पलपल टोहाना से राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल में डकैती का मामला सामने आया, इसमें क्या एफआईआर दर्ज की है? देखिए, कल सूचना मिली थी करीब 9-10 बजे के आसपास कि रणधीर जो मॉडल के एम स्कूल है डांगरा रोड पे, उसके संचालक है रणधीर सिंह पुत्र माडूराम वासी बलियाड़ा। वो मॉडल के एम स्कूल में 4-5 नकाबपोश से अंदर आके और नकदी थी 4,32,000 रुपये, एक रिवॉल्वर है लाइसेंसी और कुछ चेकबुक और पासबुक वो चुरा के लेके गए हैं। और जो इनका वॉचमैन था रमन करके, उसको इन्होंने बंदी बना लिया था। तो सुबह जब रणधीर जी ने संभाला इसको, तो इससे जब सारी बातें पूछी, तो कल शाम को शिकायत मिलने पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली थी और साइबर सेल की मदद से आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लिया जाएगा। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज है? ये 147, 148, 382, 120 भी, 506 हैं। कुछ इनका पुराना विवाद था जमीन को लेकर, तो इन्होंने 3-4 जो आदमी हैं, प्रेमवासी कन्नड़ी और एक है सुरेंद्र पुत्र करमवीर जयदीप पुनिया, इन्होंने इनके ऊपर थोड़ा षड्यंत्र का भी आरोप लगाया है, जिसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। आगे सीसीटीवी फुटेज में सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ नकाबपोश दिख रहे हैं, और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, हम आपको बताते रहे। रणधीर जी, आप मॉडल गेम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो ये डकैती घटना हुई है, क्या मामला है सारा? सर, ये संडे रात की बात है, 2-2:30 बजे के लगभग। पीछे दीवार है हमारी खेल अकेडमी है, वहाँ से दीवार है, वहाँ तार काट कर स्कूल में एंट्री करी है। उनती आकर हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है रमन सिंह नेपाली, उसको बंधक बनाकर बाथरूम में रोक दिया गया। उसके बाद उसकी ये अलमारी के लोग तोड़े गए और हमारे कार्ड को अस्त व्यस्त किया गया, और मेरी एक उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर और 4,32,000 रुपये कैश लूट कर ले गए। कितने व्यक्ति थे जी? सर, जो सीसी कैमरे के अंदर 4 व्यक्ति आए हैं, बाकी 10-12 आदमी होने की संभावना है। तो इसमें तो पुलिस में शिकायत दिया हमने? हाँ, पुलिस में मैंने कल 9:20 पर पता लगा था। हमने 112 नंबर गाड़ी में फ़ोन किया, उसके बाद फॉरेंसिक लैब आए और हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। तो क्या कुछ पता लग पाया जी, किस मंशा से आए, क्या यही का कारण था इनका कैसे लूट को? देखो, मंशा तो पकड़ने बाद पता चला उनकी क्या मंशा थी। बाकी तो मेरी फैमिली सारा परिवार यहीं रहते हैं, तो मेरे कई दिन से मैं बीमार था, मैं इसी कारण ऊपर सो गया नहीं, मैं यहीं सोता हूँ नीचे।